आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू, जो कि मेरे घर पर मेरे स्टाइल में बनते हैं, और आप कैसे बनाते हैं वो जरूर बताना। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, ऑयल को कर लेंगे हम गरम। ऑयल हो गया गरम, उसमें डाल देंगे हींग, और इसके साथ ही डाल देंगे हम एक चम्मच जीरा, और इसके साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्ची। अब इनको अच्छी तरीके से हम रोस्ट होने देंगे। तो मिर्ची और जीरा अच्छी तरीके से क्रैकल हो गए हैं। अब इसके बाद डाल देंगे हम आलू। तो आलू मैंने छोटे वाले लिए थे और इनको बॉईल कर लिया था, और बॉईल करके इस तरीके से छिलका निकाल लिया था। अब इनको हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा पहले भून लेंगे, जिससे ये क्रिस्पी लगे और टेस्ट में तो ये काफी अच्छे लगेंगे। तो आलू हमारे थोड़े से पक चुके हैं, यानी क्रिस्पी हो गए। अब इसके अंदर करेंगे हम मसाले ऐड। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर नमक। तो नमक हम आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, मैंने एक चम्मच लिया है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर हम ये छोटी दो चम्मच डालेंगे। फिर उसके बाद लाल मिर्ची डाल देंगे, और थोड़ी सी हम इसके अंदर देगी मिर्च डाल देंगे कलर के लिए, और फिर थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा सब्जी मसाला। बस इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और दो मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे, जिससे कि मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक जाएं और आलू में लग जाएं। तो मसाले हमारे काफी अच्छी तरीके से पक चुके हैं, खुशबू बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आ रही है। गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। अब आधी छोटी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला, और पहले करेंगे इसको मिक्स, और फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर खूब सारा धनिया पत्ती, और इसको कर लेंगे मिक्स। और अब करूंगी मैं इसको गर्मा गर्म सर्व। तो गर्मा गर्म मेरे स्टाइल में आलू की सब्जी बन चुकी है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, या फिर बच्चों के टिफिन में, या फिर आप सफर में जाए तो इसको ले जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना।